सो हे गाइस, मैं नाम अनुप एंड यू आर वाचिंग करेज टेक। सो गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी गाइस, जिसमें हमने कैनन एक्सिस 190 के इसमें रिव्यू किया था। एंड उसमें मैंने बताया था कि गाइस कुछ दिन इसके ठीक 2 या 3 दिन बाद मैं इसकी एक रिव्यू वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं इसके टोटली स्पेसिफिकेशन और गाइस अदर थिंग्स के बारे में बताऊंगा। बट गाइस वो वीडियो थोड़ी डिले हो गई, क्योंकि गाइस मैं थोड़ा काम के चक्कर में फंस गया एंड गाइस इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। सो गाइस इन बातों को साइड करते हुए चलिए गाइस वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो हम करने वाले कैनन एक्सिस 190 की रिव्यू एंड गाइस इसके टोटली स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइस ये सब देखने वाले हैं गाइस, क्या इसमें इस कैमरा में DSLR जैसा ब्लर इफेक्ट या इसके फोटोज में ब्लर इफेक्ट मिलता है नहीं, एंड गाइस ये एक बजट रेंज कैमरा है या नहीं, एंड ये ब्लॉगिंग के लिए काम आएगा या नहीं। सो गाइस इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस मैं इस कैमरा के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई दिया था गाइस, जिसमें मैंने इसके जूम के बारे में एंड गाइस मैंने इसके अदर जो फीचर्स थे गाइस वो सब मैंने बता दिए। तो चलिए गाइस फिलहाल जल्दी से कैमरा ऑन कर लेते हैं यहाँ से। सो गाइस आप देख सकते हैं गाइस हमारे जो कैमरा ऑन हो गया है एंड गाइस कैमरा जब ऑन होता है सो गाइस ये हमारा यहाँ पे ऑटो मोड पे ऑन होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ अगर कुछ भी करते हैं सो गाइस अभी हमारा ये कैमरा भी यहाँ ऑटो मोड पे ऑन है। सो गाइस अगर हम इस प्ले बटन की बात करें सो गाइस इससे अगर हमारे कैमरा में जो भी फुटेज या फिर जो भी वीडियोस गाइस वो हम यहाँ से देख सकते हैं गाइस। जैसे मैं एक बार आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये मैंने अब कुछ वीडियोस बनाई थी एंड गाइस मैंने कुछ यहाँ फोटोशूट किए थे गाइस, जो कि इसमें हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर इन्हें डिलीट भी करना है सो गाइस ये देख सकते हैं ऑटो के बगल में एक डस्टबिन का एक ऑप्शन बना, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंसिल एंड गाइस इरेज गाइस इन दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस, जिससे हम चाहे अपनी फोटोज़ यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको अपनी फोटोज़ को अगर जूम करके देखना है जो गाइस आपने फोटोज़ लिए तो गाइस जो उसके लेंस का जो जूमिंग का ऑप्शन होता है गाइस वही इसमें हम अपनी फोटोज़ को भी ऐसे ही जूम कर सकते हैं गाइस। जैसे देख सकते हैं अगर मैं इसे इधर खींचता हूँ तो गाइस ये हमारी फोटोज़ यहाँ पे इसमें जूम करके दिखा देता है कि गाइस मतलब इसके कैसे इसकी क्वालिटी एंड गाइस ये अदर थिंग्स। तो गाइस अगर हम नेक्स्ट बात करें तो गाइस ये इसका कैमरे का ऑप्शन गाइस, जैसे अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ जिस पे रेड डॉट बना हुआ तो गाइस इस पे हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस वीडियो रिकॉर्डिंग तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, तो चलिए गाइस मैं इसके अदर फीचर्स के बताता हूँ। तो गाइस ये हमारे यहाँ पे ऑटो मोड गाइस, जैसे अगर आप अपना कैमरा स्टार्टिंग में ऑन करेंगे तो गाइस ये हमारा ऑटो पे खुलेगा, बट गाइस अगर आपको इसे मैनुअल में डालना है तो गाइस इसको आपको ऑटो पे यहाँ लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करके गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा एक यस और नो का, तो गाइस जैसे अगर आप इस पे यस पे यहाँ करके ओके करते हैं तो गाइस अब हमारे यहाँ पे ऑटो मोड डिसेबल हो जाएगा एंड गाइस अब जो हमारे कैमरे का मैनुअल मोड है गाइस वो यहाँ ऑन हो चुका है। गाइस अगर इसके साइड में बात करें तो गाइस ये हमारे यहाँ फ्लैश का ऑप्शन दिया हुआ है गाइस, जिसमें आप अपनी फ्लैश को चाहते हैं यहाँ पे ऑटो पे डाल सकते हैं एंड गाइस चाहे तो अपने यहाँ फ्लैश को बंद कर सकते हैं। एंड गाइस अगर हम इस साइड के बटन की बात करें तो गाइस यहाँ पे हम इसका यहाँ कैलेंडर का टाइप का एक ऑप्शन दिया हुआ है गाइस, जिसमें अगर हम अपनी फोटो खींचते हैं तो गाइस उसके डेट और टाइम के साथ हमारी फोटो में ऐड हो जाता है। तो गाइस मैंने तो फिलहाल इसे बंद कर रखा है गाइस, मुझे इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसे बंद कर रखा है यहाँ पे। एंड गाइस यहाँ हमें नीचे की तरफ गाइस हमें एक मेन्यू का एक ऑप्शन दिया गया है गाइस, अगर हम इस पर मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें दिया गया कि गाइस जब हम अपना कैमरा ऑन करते हैं तो यहाँ पे ऑटो पे स्टार्ट होता है गाइस, अगर मैं इसे डिसेबल पे कर देता हूँ तो गाइस यहाँ हमारा डिसेबल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की बात करें तो गाइस इसमें हमारा वॉल्यूम डेट मतलब एंड अगर इसके नीचे अगर ब्राइटनेस पावर सेविंग गाइस इसमें बतेरी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए गाइस मैं फिलहाल आपको एक बार मैनुअल मोड में इसके अब दिखाता हूँ, इसमें मैनुअल मोड में इसके क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस मैनुअल मोड में जाने के लिए गाइस आपको यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करना है मतलब ऑटो से बाहर आने के बाद, एंड गाइस आपको यहाँ प्रोग्राम AE में चले जाना है एंड गाइस इस पे जाकर आपको यहाँ पे ओके कर देना है। सो गाइस आप देख सकते हैं गाइस आप हम अपने फ़ोन के यहाँ मैनुअल मोड में आ चुके हैं। सो गाइस सबसे ऊपर तो गाइस हमें यहाँ लाइटिंग मीटरिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है गाइस, जिसमें यहाँ पे हमें पहले एक सेंटर का मिल जाता है, देन गाइस यहाँ पे हमें एवरेज मिल जाता है एंड गाइस यहाँ हमें थर्ड पे यहाँ पे स्पॉट का मिल जाता है गाइस, जिससे हम अपने फोकस रेंज एंड गाइस ये सब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ बात करें अगर वाइट बैलेंस की तो गाइस ये तो फिलहाल यहाँ ऑटो पर रहता है, बट गाइस आपको यहाँ पे कई तरह के यहाँ पे नए नए यहाँ पे वाइट बैलेंस देखने को मिल जाते हैं गाइस, जो आप यहाँ इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने मतलब लाइट के हिसाब से। एंड गाइस नेक्स्ट इसकी बात आ जाएगी ये हमारा ISO गाइस, में हमें ISO गाइस यहाँ हमें 1600 तक देखने को मिल जाता है गाइस, ये देख सकते हैं गाइस आप अपने हिसाब से यहाँ पे ISO सेट कर सकते हैं, बट गाइस वैसे तो डिफॉल्ट यहाँ ऑटो पर रहता है। एंड गाइस उसके नीचे गाइस हमें यहाँ पे प्रोग्राम मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस, जिसमें हमारे यहाँ डिफॉल्ट या प्रोग्राम मोड पे सेट रहता है। एंड गाइस अगर आप उसके नीचे करते हैं तो गाइस हमें यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड एंड गाइस इस तरह गाइस हमें इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं गाइस, जैसे ये हो गए फिश आई इफेक्ट गाइस, जिससे मतलब उनकी आँखें गोल टाइप से होती है, तो गाइस ये मतलब सर्कल सर्कल टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
एंड गाइस अगर मैं अपने यहाँ सबसे मतलब स्पेशल या फिर जो सबसे अच्छे वाले जो मैं यहाँ प्रोग्राम की बात करूँ गाइस, वो उसमें यहाँ पे सुपर विविड लगता है गाइस, जिसमें अगर आप यहाँ पर अगर कोई सी करके पिक लेते हैं गाइस, उसमें हमें काफ़ी कलर टाइप के मिल जाता है गाइस, जिसमें अगर हमारे हाथ के अगर कलर वाले अगर जिसमें अगर डिम है गाइस, ये इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड गाइस लास्ट में हमें यहाँ लॉन्ग शटर का ऑप्शन मिल जाता है गाइस, जब आप इसे लॉन्ग शटर का करेंगे तो गाइस हमें यहाँ पर अपना शटर स्पीड सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि गाइस हमारे यहाँ 1 से लेकर 50 तक है गाइस, ये देख सकते हैं। एंड गाइस आपने यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर शटर स्पीड यहाँ सेलेक्ट करके पिक ले सकते हैं, बट गाइस फिलहाल तो मैं इसे यहाँ प्रोग्राम पर डिफॉल्ट पर डाल देता हूँ। एंड गाइस उसके नीचे हमें यहाँ पर एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाता है गाइस, जिसमें हम अपने एक्सपोजर को यहाँ पर कम और ज़्यादा दो अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। तो गाइस उसके नीचे अगर हम बात करें उसका हमें यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गाइस, अगर हमें यहाँ अगर कोई भी अगर टाइमर सेट करना है तो गाइस हमें यहाँ टाइमर सेलेक्ट करके एंड गाइस बस हमें रख के यहाँ इस बटन को प्रेस कर देना, एंड देन गाइस टाइम होने के बाद गाइस उसके बाद ये अपने आप यहाँ पिक पिक क्लिक कर देगा। तो गाइस उसके नीचे गाइस हमें यहाँ फोकस रेंज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस, जिसमें हमें यहाँ 2 तरह की रेंज मतलब 3 तरह की रेंज देखने को मिल जाती है गाइस, हमारे यहाँ सबसे ऊपर माइक्रो का मिल जाता है गाइस, अगर हमें मतलब एकदम डिटेल फोटो जो लेनी है जो एकदम पास है तो गाइस उसके लिए हम यहाँ माइक्रो लेंस यूज़ करेंगे। एंड गाइस उसके नीचे हमारा नॉर्मल मिल जाता है, एंड गाइस उसके नीचे हमारा इन्फिनिटी मिल जाता है गाइस। गाइस जब भी अगर आप कोई पिक क्लिक करने जाएंगे तो गाइस ये कैमरा अपने हिसाब से ये सेट कर लेगा गाइस, हमें यहाँ माइक्रो लेना है या फिर हमें यहाँ एवरेज या नॉर्मल या फिर जो भी लेना है, तो गाइस ये वो सब चीज़ें हैं। तो गाइस उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो गाइस ये हमें यहाँ ड्राइविंग मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस, जिसमें हमारे यहाँ सिंगल शूटिंग पे रहता है गाइस, जैसे अगर सिंगल शूटिंग क्या होता है गाइस, जैसे अगर आप सिंगल शूटिंग में क्लिक करेंगे तो गाइस ये हमारी एक बार में एक पे क्लिक करके यहाँ रुक जाएगा, बट गाइस अगर आप इसे कंटिन्यूस पे अगर सिलेक्ट कर देते हैं तो गाइस अगर आप इसे प्रेस करके रखेंगे तो गाइस ये कंटिन्यूस यहाँ पे फोटो यहाँ क्लिक करता रहेगा। तो गाइस ये हमारी ये चीज़ है। तो गाइस नेक्स्ट बात करें तो गाइस ये हमारे यहाँ पे पिक्सल आ जाते हैं गाइस, जैसे हमारा भी यहाँ सबसे ऊपर डिफॉल्ट जैसे यहाँ हमारा 20 मेगापिक्सल पे है, देन गाइस अगर उसके नीचे चेक करेंगे तो गाइस ये 10 मेगापिक्सल, देन यहाँ 3 मेगापिक्सल, देन उसके नीचे हमारा 0.3 मेगापिक्सल, एंड गाइस लास्ट में हमारा आता है यहाँ वाइड एंगल मतलब वाइड स्क्रीन गाइस, जिसमें हम अपनी वाइड एंगल अगर थोड़ी अगर पिक्स लेनी है तो गाइस हम यहाँ पे वाइड एंगल ताकि अपनी पिक्स ले सकते हैं। एंड गाइस सबसे लास्ट में गाइस हमें यहाँ मूवी क्वालिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस, जिसके अंदर हमें यहाँ 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं गाइस, गाइस इन दोनों में गाइस आप चाहे तो इनमें से कोई से सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस, इसमें हमारा एक HD है एंड गाइस एक हमारा VGA है, तो गाइस हम तो यहाँ डिफॉल्ट यहाँ HD पे रहने देता हूँ, सो ये हमारे ऑप्शन है। एंड गाइस अब मैं आपको इसकी थोड़ी पिक्स की दिखा देता हूँ। एंड गाइस बहुत से लोगों का क्वेश्चन है गाइस हमें यहाँ पे इस कैमरे से हमें ब्लर इफेक्ट मिलता है हमारी वीडियो में नहीं, तो चलिए गाइस मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एंड गाइस उसकी पहले कुछ पिक्स के जो सैंपल्स हैं गाइस मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। सो गाइस अगर हम बात करें गाइस यहाँ वीडियो ब्लर की, सो गाइस यहाँ देख सकते हैं ये हमारा सामने एक पर्सन खड़ा है, सो गाइस इसे ब्लर करने के लिए गाइस हमें यहाँ 3 चीज़ पे मतलब फोकस करना पड़ता है गाइस, जैसे हमारे सामने पर्सन खड़ा है सो गाइस उसके एक तो उसके बैकग्राउंड से उसका डिस्टेंस होना चाहिए गाइस, सेकंड गाइस हमारे जो यहाँ पर्सन खड़ा है गाइस उससे हमारे कैमरे का डिस्टेंस होना चाहिए, एंड गाइस जो हमारे थर्ड थिंग है गाइस हमारे जो कैमरा का गाइस ये जूम होना है गाइस वो यहाँ ऑन होना चाहिए। सो गाइस जैसे मैं यहाँ से जूम कर गाइस मैं यहाँ 10x पे से कर देता हूँ गाइस, वेट मैं यहाँ पहले वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ गाइस, मैं आपको इसकी क्लिप में दिखा भी सकूँ। तो गाइस आप जैसे यहाँ इस वीडियो में आप पर्सन को देख सकते हैं गाइस, जैसे इसके पीछे जो भी बैकग्राउंड है गाइस ये यहाँ भी ब्लर आ रहा है, मतलब गाइस ये उतना तेज तगड़ा ब्लर तो नहीं होगा क्योंकि गाइस ये DSLR नहीं है गाइस, ये हमारा ओनली एक वीडियो है जिससे हम यहाँ अपने पर्सन को ब्लर कर रहे हैं। तो गाइस इस तरह चाहे तो गाइस हम अपने पर्सन को गाइस हम ब्लर भी कर सकते हैं अपनी वीडियो में। सो गाइस अगर हम बात करें इसके माइक की, सो गाइस इसमें हमें यहाँ पर कोई मतलब अलग से जो माइक का जो जैक है गाइस वो तो हमें इसमें देखने को नहीं मिलता, बट गाइस जो इसका इनबिल्ट माइक गाइस वो हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ गाइस ये मैं अपने उसी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड गाइस ये जो मेरी वॉइस है गाइस ये इसी के जो इनबिल्ट माइक है गाइस ये उससे रिकॉर्ड हो रही है। तो गाइस ऑल ओवर जो इसका माइक गाइस वो यहाँ काफ़ी अच्छा होता है, बट गाइस कई बार थोड़ी प्रॉब्लम होती है गाइस, जैसे अगर आप कहीं आउटडोर में अगर कहीं शूट कर रहे हैं सो गाइस अगर बाहर की तरफ अगर कोई नॉइस आती है सो गाइस वो भी आपको अपनी वीडियो में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अगर आप चाहते हैं गाइस अगर आपको नॉइस कैंसिलेशन के ऊपर कोई वीडियो चाहिए गाइस जिससे आप अपने ऑडियो में से नॉइस निकालना चाहते हैं, तो गाइस उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गाइस, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा।
एंड गाइस अगर हम बात करें गाइस अगर आप इसे एज अ व्लॉगिंग कैमरा यूज करना चाहते हैं तो गाइस वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि गाइस इसके जो माइक क्वालिटी है गाइस वो हमें इसमें काफी अच्छी देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस इसमें आपको ये वाइड एंगल से लेके गाइस इसमें आपको हर तरह से शूट देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपने चाहते हैं आप अपनी व्लॉगिंग कैमरा भी इसे एज अ यूज कर सकते हैं। बट गाइस इसमें थोड़ी ये है कि मतलब गाइस इसमें आपको यहाँ फ्लिप स्क्रीन नहीं मिलती है, जिससे आप अपने इसे कैमरे के यहाँ फ्लिप नहीं कर सकते, बट ऑल ओवर ये कैमरा काफी अच्छा है। तो गाइस अगर आप इस कैमरा को अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो गाइस इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस आप चाहे तो इस कैमरे के आपके डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे, जिससे आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। गाइस ये कैमरे की अगर गाइस मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो गाइस इसकी प्राइस मुझे ऑलमोस्ट ये 8,000 के समथिंग मान लीजिए, क्योंकि उस टाइम मुझे थोड़ा ऑफर चल रहा था, तो गाइस मैंने उस टाइम इस कैमरे को लिया था। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल करेज टेक।